हेलो गाइस, दिस इज भावना शर्मा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एपिकल्चर। एपिकल्चर को देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एपिकल्चर? द डेफिनेशन ऑफ एपिकल्चर इज द साइंटिफिक एंड केमिकल मेथड फॉर कीपिंग ऑफ द बीज फॉर प्रोड्यूसिंग द हनी एंड देयर वैक्स, दैट इज कॉल्ड द एपिकल्चर। एपिकल्चर के बारे में, इसके आज हम हैबिटेट के बारे में देखें। ये डिपेंड करता है किन किन चीज़ों के ऊपर, हैबिटेट के बारे में, चॉइस ऑफ फ्लोरा और चॉइस ऑफ बीज और ओल्ड मेथड, मॉडर्न मेथड, इन सभी चीज़ों के ऊपर एपिकल्चर डिपेंड करता है। तो एपिकल्चर में हम क्या करते हैं, जो आपकी हनी बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनका हम पालते हैं अपने घरों में, ताकि उनसे हम शहद और जो वैक्स होती है प्रोवाइड कर सके वो हमें। तो हम एपिकल्चर की हैबिटेट के बारे में देखें तो ये कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और आपके अमेरिका और इंडिया, सबसे ज़्यादा ये इंडिया में सबसे ज़्यादा फाउंड होती हैं ये। और इस ये डिपेंड करता है चॉइस ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स। ये निर्भर करता है, जब हम इनको पालते हैं तो डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि ये नेक्टर और पोलन ग्रेन्स को सकिंग करते हैं, खाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए और सेहत को बनाने के लिए। इसलिए प्लांट्स कैसे होने चाहिए, जिनके पास अच्छे से इनको नेक्टर और पोलन ग्रेन्स मिल सके। तो सबसे अच्छे नेक्टर्स कौन से प्लांट्स के पास होते हैं? सबसे अच्छे जो नेक्टर्स होते हैं वो आपके नीम और आपके जामुन के पेड़ के पास होते हैं। तो इनके इन प्लांट्स के पास आपको क्या करना चाहिए, एपिकल्चर करना चाहिए। और पोलन ग्रेन सबसे अच्छे कौन से प्लांट के पास होते हैं, इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं, वो आपके रोज एंड मेज, मक्के का और रोज़ का जो प्लांट होता है उनके पास सबसे अच्छे पोलन ग्रेन्स होते हैं। और वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके पास ये दोनों, आपके नेक्टर और आपके पोलेंस भी दोनों प्रोवाइड हो जाएं, वो हैं आपके मस्टर्ड। मस्टर्ड एक ऐसा प्लांट है जिसके पास नेक्टर और पोलन ग्रेन्स दोनों प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे एपिकल्चर हमें करना चाहिए। सेकंड है चॉइस ऑफ बीज। ये एपिकल्चर मतलब बीज की जो टाइप्स होती हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। हमें सबसे अच्छी बीज को ही चूज़ करना चाहिए एपिकल्चर में, जो अच्छे से एनर्जेटिकली काम कर सके, अच्छा ज़्यादा अमाउंट में शहद बना सके। तो वो कौन सी होती है जो सबसे अच्छा शहद बनाती है? हमारे इंडिया में 4 टाइप्स की आपकी हनी बीज फाउंड होती हैं। तो ये है एपिस डोरसेटा, ए इंडिका, ए फ्लोरा और ए मेलिफेरा। ये 4 टाइप्स की आपकी स्क्रीन पे हैं। तो सबसे अच्छी इनमें से होती है ए इंडिका, जो कि सबसे अच्छा शहद बनाती है और ये प्योरेस्ट शहद बनाती है। अगर इनकी अगर कुछ करेक्टरिस्टिक के बारे में देखें तो ए जो डोरसेटा होती है, इन चारों में सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होती है। इसका साइज होता है 20 mm लेंथ। और ये ए एपिडोरसेटा होती है, वो काम नहीं आती हैं आपके एपिकल्चर में, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो रिटेटेबल होता है। इसीलिए ए इंडिका होती हैं ये सबसे अच्छी होती है, इसलिए इनको ही हमें पालना चाहिए, क्योंकि ये कितना शहद देती हैं, 3 से 4 ग्राम। कितना देती हैं ये? 3 से 4 किलोग्राम क्या देती हैं ये? एक कॉम्ब, इट मीन्स एक छत्ते से कितना शहद बनाती हैं? 3 से 4 किलोग्राम। और ए फ्लोरा की बात करें, ये कितना शहद बनाती हैं? 250 ग्राम। कितना? 250 ग्राम क्या बनाती हैं ये? शहद बनाती हैं एक छत्ते से, तो बहुत कम है। तो सबसे अच्छी कौन सी है? ये 3 से 4 किलोग्राम जो बना रही है ए इंडिका। और ए मेलिफेरा कौन सी है? इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूरोपियन बीज भी कहते हैं, क्योंकि ये क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नेम है वहीं से लिया गया है। इसीलिए तो सबसे अच्छी हमें ए इंडिका को, इट मीन्स एपिक्स जो इंडिका है उसको हमें एपिकल्चर में यूज़ करना चाहिए। हम बात करते हैं इसके मॉडर्न मेथड की और ओल्ड मेथड की। तो ओल्ड मेथड की देख लेते हैं, ओल्ड मेथड से हम कैसे एपिकल्चर कर सकते हैं। तो ओल्ड मेथड से जो एपिकल्चर करते हैं वो करते हैं हम
पहले क्या करते हैं, बीज को, जो हनी बीज होते हैं उनको लेते हैं, वो स्वयं खुद अपना नेचुरली क्या बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं, और हाइव्स बनाने के बाद क्या होता है, वो खुद उसमें एग्स देती हैं, नेक्टर को अपनी सेल्स में क्या करती हैं, स्टोर कर लेती हैं। जैसे नेचुरली होता है, आपने देखा होगा शहद बनते हुए नेचुरली कैसा बनता है, तो वो तो होता है आपका ओल्ड मेथड। लेकिन ओल्ड मेथड के नुकसान क्या है, इसके ये नुकसान है कि एक तो इसमें फ्यूमिगेशन के थ्रू क्या करते हैं, हम शहद को निकाल, मतलब पहले किल कर करते हैं हम हनी बीज को, हनी बीज ताकि हमारी स्किन वगैरह पे डंक ना मार दे, इसी की वजह से जब हम हनी बीज निकाल रहे होते हैं तो इसी की वजह से हम उन्हें क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो फ्यूमिगेशन से उनकी डाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम मतलब प्योर जो ओल्ड मेथड होता है, इसमें हम मतलब प्योर हम हनी भी ऑप्टेन नहीं कर पाते हैं, हमें प्योर जो हनी होता है वो इसमें हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। और इसमें नुकसान है क्योंकि इसमें जो कैलोनीज जो होती हैं वो मर जाती हैं, किल हो जाती हैं। तो हम मॉडर्न मेथड की बात करते हैं, आजकल मॉडर्न मेथड से ही क्या करते हैं, ज़्यादातर एपीकल्चर करते हैं। तो मॉडर्न मेथड के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लकड़ी का बॉक्स लेते हैं, लकड़ी के बॉक्स में क्या होता है, उसका ही हम पूरा एपिकल्चर करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और उसमें जो बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, ब्रड चैम्बर और कॉम फ्रेम्स होते हैं उसके अंदर। तो ब्रड चैम्बर्स जो होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, उसमें जो लकड़ी का एक लकड़ी का बॉक्स सा होता है, आपने देखा भी होगा, आप देखना अपने गांव में देखना कभी किसी को एपिकल्चर करते हुए, तो ब्रड चैम्बर इसमें होता है इसके अंदर। इनका क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन है कि आपके जो वर्कर हनी बीज होती हैं, वर्कर हनी बीज को मतलब बाहर निकलने अंदर आने देता है, लेकिन इसमें जो क्वीन हनी बीज होती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिसकी वजह से क्वीन बीज जो होती हैं वो लेइंग नहीं कर पाती, अंडे नहीं दे पाती, किन के अंदर जो ब्रड चैम्बर होते हैं उनके अंदर, इसीलिए ये हार्मफुल भी है क्योंकि वो लेइंग नहीं कर पा रही हैं अपने अंडे का, तो फिर फायदा ही क्या है, और वो किल भी हो जाती है, वो मर जाती है। इसीलिए इनके अंदर कॉम फ्रेम क्या है, कॉम फ्रेम एक देखा होगा इसके अंदर 7 to 10 इसके अंदर कॉम फ्रेम्स होते हैं। कॉम फ्रेम्स का फंक्शन क्या होता है, इनके अंदर वो होते हैं सुपर चैम्बर्स होते हैं, सुपर चैम्बर्स का फंक्शन है वो हनी जो होता है, जैसे मधुमक्खी ने क्या बना दिया, शहद बना दिया, तो उसको कलेक्ट कौन, इकट्ठा कौन करके रखता है, वो आपके कॉम चैम्बर्स होते हैं, किसके अंदर, वुडन बॉक्स के अंदर वो कलेक्ट कर लेते हैं। अब शहद को निकालते कैसे हैं हम मॉडर्न मेथड में शहद को निकालने का तरीका है, एक हम नेटेड क्लॉथ लेते हैं, जालीदार कपड़ा लेते हैं जो कि कैसा होता है, पॉकेटेड होता है, तो उसको हम एक ड्रम के ऊपर रख लेते हैं और उसमें सेंट्रीफ्यूजली फोर्स लगा के उसके ऊपर छत्ता रख के सेंट्रीफ्यूजली फोर्स लगा के उसको राउंड राउंड घुमाते हैं, जिससे क्या होता है जितना भी शहद होता है वो उसमें नीचे निकल जाता है। तो ये रही आपकी शहद कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं। तो बात करते हैं आगे यूज़ ऑफ हनी, हनी का क्या इस्तेमाल है हमारे जीवन में, शहद को हम कहाँ कहाँ काम आता है हमारे जीवन में। तो शहद का जो यूज़ है उससे एक तो कफिंग में काम आता है, आपने देखा होगा जब आपको खांसी हो जाती है तो आप क्या करते हो, शहद ले लेते हो, तो आपकी खांसी में रिलीफ मिल जाता है। और ये आयुर्वेदिक दवाई बनाने के भी काम आता है शहद, आपने देखा होगा। और ये अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती हैं, वाइन ड्रिंक्स होती हैं, इनमें भी अल्कोहल का यूज़ होता है। और कुछ ये कैसा काम भी करती हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स का भी काम करती है, क्योंकि कुछ मतलब फ्रूट फ्लाइज होती हैं, जैसे उनको भगाना हो किसी प्लांट से तो इनका छिड़काव कर दो तो फ्रूट फ्लाइज क्या हो जाती हैं, मर जाती है, भाग जाती हैं। तो और इन हनी बीज के बाद हम देखते हैं कि जो बी वैक्स होती है, बी वैक्स जो हनी बी के द्वारा ही बनाई जाती है, किससे, शहद से। जो बी वैक्स होती है याद रहे वो किससे बनती है, शहद से ही बनती है। और कितने शहद से बनती है, 10 से 20 ग्राम शहद में 1 ग्राम बी वैक्स बनती है, याद रहे। और बी वैक्स का कहाँ कहाँ यूज़ है, बी वैक्स आपके फेस क्रीम्स होती हैं, लुब्रिकेटर्स होते हैं जितने भी, उनमें सभी में काम आती है। आपकी प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक बनाने में काम आती है, और इनका भी यूज़ हम काफ़ी जगह पे करते हैं। क्रीम्स आर्टिफिशियली क्रीम्स होती हैं, और वो कार्बन पेपर्स देखा होगा ना बचपन में आपने कभी भी, जैसे कभी एक चित्र से दूसरा चित्र छापते थे, तो वो उनको बनाने में भी क्या काम आती हैं, बी वैक्स काम आती हैं।
तो इनका यूज़ भी देख लिया है आपने। और हनी बी को लेने से फ़ायदा बहुत है, क्योंकि जब कोई भी पेशेंट को एनेमिया हो जाता है, इट मीन्स ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको अगर शहद खिला देते हो तो उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन अपने आप बन जाते हैं इसीलिए। और ये टाइफाइड के जम्स होते हैं, डायसेंट्री के जम्स होते हैं, उनको भी ये किल कर देता हनी। तो ये वेरी यूज़फुल है और इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च भी हो रही है हनी के ऊपर, और इसके पेटेंट्स भी मोस्टली काफ़ी जगह पे दिए जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। तो मोस्टली ये सारा ये टॉपिक कवर हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।